हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप अपने कंपनी में बनाए गए लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं वो कंपनी चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ग्रोसरी शॉप के नाम से कंपनी है तो इसी को ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ से हमें कहाँ जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है। और चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजर्स नजर आ रहा है, एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ से आपको F5 शॉर्टकट की प्रेस करनी है। और यहाँ पर देखिए जहां पर भी ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, जैसे यहां पर देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया गया और यहां पर ओपनिंग बैलेंस दिया गया, तो ये दोनों ही आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस जो है आप अपने कंपनी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं। वो तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से भी अपना ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो वो तरीका क्या हो सकता है, तो आपको रहना आपको गेटवे ऑफ टैली पर ही है। ये टैली की मेन मेन्यू है, यहीं पर आपको रहना है और रहते हुए नीचे आ जाना है। नीचे कहाँ आना है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है और इसका डी हाईलाइट है, तो कीबोर्ड से डी बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही डी प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिखाई पड़ता है। और जैसे ही ट्रायल बैलेंस पे आते हैं तो यहाँ से अब हमें एक शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा, वो क्या है, वो है F12 प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पर आपको नजर आएगा सो ओपनिंग बैलेंस। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस भी देखना चाहते हैं और अगर आपका ये नो है तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें ओपनिंग बैलेंस ही देखना है, तो इसको यस कर देते हैं और यस करके एंटर एंटर करते हुए नीचे तक आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ओपनिंग बैलेंस तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस पहले से तो नजर आ रहा था, लेकिन अगर बंद हो तो उसको चालू भी किया जा सकता है। और ये है ओपनिंग बैलेंस देखने के दो तरीके। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए ये ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है और ये सेम वही है जो आपने पहले देखा। जैसे मान लीजिए पहले हमने क्या बताया, पहले हमने बताया चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के लिए, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे आए, फिर लेजर्स पे जाना था तो लेजर्स पे आए। और जैसे ही लेजर्स पे आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर हमें प्रेस करना है F5। क्या प्रेस करना है, F5 प्रेस करना है। और F5 प्रेस करते ही आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 और यहाँ पर 10,000 दिख रहा है, सेम यही तरीका वहां पर भी फॉलो होगा। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के लिए डी और ट्रायल बैलेंस पे जाने के लिए ये इस तरीके से आ गए। और यहाँ से अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको F12 प्रेस कर देना और यहाँ पर यस कर देना, इसको कंट्रोल ए कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको नजर आना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया और ये वही है जो वहां पर दिख रहा था। ठीक है, तो जो वहां पर दिख रहा था सेम वही चीज है। तो इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को देख सकते हैं।